हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मनीदास। तो चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप नए हो या फिर आप एंजल वन के एक न्यू यूजर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंट्राडे में कैसे शेयर को बाय एंड सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, कैसे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाला है कि डिलीवरी में कैसे शेयर को बाय एंड सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। और दोस्तों, बिगिनर्स के लिए मैं बता देती हूँ, इंट्राडे का मतलब क्या है कि 9:15 में मार्केट ओपनिंग होता है एंड 3:30 में मार्केट क्लोजिंग होता है। तो इसी के बीच अगर आप कोई शेयर को बाय करते हो तो आपको सेल करना है, अगर आप कोई शेयर को सेल करते हो तो आपको बाय करना है। और डिलीवरी मतलब कि आज के दिन आपने कोई शेयर को बाय किया, आप जितने टाइम चाहे उस शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हो, आपका जब मन हो तब आप उस शेयर को सेल कर सकते हो। तो ये होता है डिलीवरी ऑर्डर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों, ये जो इंट्राडे एंड डिलीवरी का प्रोसेस है ये मैं आपको मोबाइल ऐप में दिखाने वाले हूँ, बिकॉज ज़्यादातर लोग मोबाइल ऐप ही यूज़ करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो पहले आपको एंजल वन ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो वॉचलिस्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी वॉचलिस्ट में चले जाएंगे। तो आपको जो भी कंपनी के शेयर को बाय करना है, आप साइड में आप देख सकते हो आपको सर्च आइकन देखने के लिए मिल रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसे सर्च आइकन में चले जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी कंपनी के शेयर को बाय करना है आप इधर से सर्च कीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे टाटा स्टील के शेयर को लेना है तो मैं इधर टाटा स्टील सर्च करूँगी। तो आप साइड में आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन आ गया है, ये NSE एंड BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो हम ये जो NSE वाला है इसको हम ऐड करेंगे। सिंपली इस स्टार मार्क वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बैक आएंगे। तो इधर से दोस्तों आप देख सकते हो आप साइड में ये जो टाटा स्टील के शेयर है ये ऐड हो गया है। उसके बाद इसी कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए हम सिंपली इसके ऊपर टैप करेंगे। तो इधर से आप देख सकते हो टाटा स्टील के शेयर प्राइस कितना चल रहा है, एंड नीचे आप देख सकते हो ऑप्शन चेन चार्ट्स एंड स्टॉक डिटेल्स है। तो जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो उसके पहले ज़रूर आप चार्ट एनालिसिस कीजिएगा। नीचे बाय एंड सेल का ऑप्शन है, तो इंट्राडे में आप बाय एंड सेल पहले कर सकते हो। ठीक है, पहले आप सेल भी कर सकते हो एंड पहले आप बाय भी कर सकते हो। तो मैं इधर आपको बाय करके दिखाने वाली हूँ। तो सिंपली हम इस बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी आप बाय ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने आ जाता है डिलीवरी, इंट्राडे एंड पे लेटर। तो पहले मैं आपको इंट्राडे में बाय करके दिखाने वाली हूँ। एंड जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर को इंट्राडे में खरीदते हो तो आपको 5x का लिवरेज मिलता है। देखते हो नंबर ऑफ शेयर्स, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आप लेना चाहते हो इधर से आप एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे इधर लेना है 20 शेयर्स। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन है। अगर आप टाटा स्टील के शेयर को, ठीक है, लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अभी चल रहे हो 169 रुपीज़, तो अगर आप चाहते हो कि 168.50 रुपीज़ आए तब आप इस शेयर को ख़रीदना चाहते हो, उस हिसाब से आप लिमिट प्राइस सिलेक्ट करके इस जगह आप लिमिट प्राइस एंटर करोगे। ओके, फिर जो मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है इसी प्राइस में अगर आप टाटा स्टील के शेयर को ख़रीदना चाहते हो तो आप मार्केट सिलेक्ट करोगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपको देखना है कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना पड़ रहा है, राइट। एंड नीचे आप देख सकते हो चार्जेस का ऑप्शन है, तो हम सिंपली चार्जेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इधर से आप देख सकते हो ये जो आपको चार्जेस पड़ने वाले हैं, टोटल चार्जेस 1.43 रुपीस। इनमें से एंजल वन ब्रोकरेज चार्जेस 1 रुपीस, एक्सटर्नल चार्जेस 0.21 रुपीस, टैक्सेस आपको 0.20 रुपीस, कुल मिला के आपको जो देना पड़ रहा है 1.43 रुपीस। और दोस्तों, ये जो चार्जेस होता है ये आपका क्वांटिटी एंड कितना रुपीस लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका चार्जेस पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने इधर 20 शेयर्स लेने में मेरा जो चार्जेस पड़ रहा है 1.43 रुपीज़, तो मैं इधर लेना चाहती हूँ, ठीक है, 100 शेयर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चार्जेस ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। तो सिंपली चार्जेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इधर से आप देख सकते हो मेरा जो चार्जेस पड़ने वाला है 7.17 रुपीज़। तो इसलिए आपका जो क्वांटिटी है एंड कितना प्राइस लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करके आपका चार्जेस पड़ते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम बैग आते हैं। तो मैं ये शेयर्स को इंट्राडे में 100 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स लेना चाहती हूँ एंड मार्केट प्राइस में लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम ये जो प्लेस बाय ऑर्डर है इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कन्फर्म कर देंगे। तो ये आपको पोजीशन में देखने के लिए मिलेगा कि मैंने 100 शेयर्स लिया एंड कितने रुपीज़ में लिया, 169.70 रुपीज़ में, एंड अभी जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है 169.50 रुपीज़। तो दोस्तों, मुझे अभी 20.15 रुपीज़ का लॉसेस चल रहा है, राइट।
तो अभी बात इसमें यह है कि अगर आप इसी शेयर के ऊपर जो आपके पोजीशन में इसी शेयर के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको ये जो टाटा स्टील है इसके ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम इसके ऊपर टैप कर लेते हैं एंड नीचे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे सिंपली स्टॉप लॉस ऑर्डर के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करने से आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है। तो इधर से आप देख सकते हो 100 क्वांटिटी ऑफ शेयर आ जाते हैं एंड आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है ट्रिगर प्राइस, एक तो आता है लिमिट प्राइस। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। तो इस शेयर को हमने कितने रुपीस में खरीदा, 169.70 रुपीस में खरीदा, राइट। तो अभी जो इस शेयर का प्राइस चल रहा है 169.90 रुपीस, तो नीचे आप देख सकते हो मुझे 20 रुपीस का एंड 15 रुपीस का कभी कभी प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों ये जो ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस होता है इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। हम स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, ताकि हम जिस प्राइस में शेयर को बाय किया अगर हम लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो मुझे ज़्यादा लॉसेस ना हो। तो ट्रिगर प्राइस में आपको कौन सा प्राइस एंटर करना है, जब शेयर प्राइस नीचे आएगा जिस प्राइस को पहले टच करेगा उसी प्राइस को आपको ट्रिगर प्राइस में एंटर करना है एंड लिमिट प्राइस में उस प्राइस को आपको एंटर करना है जिस प्राइस में आप एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। तो मैंने 169.70 रुपीस में इस शेयर को ख़रीदा, मैं चाहती हूँ अगर सपोज दैट कि ये शेयर 167 रुपीस पे आ जाए तो मैं इस शेयर से निकलना चाहती हूँ लॉस लेके, ओके। तो हम लिमिट प्राइस में क्या डालेंगे, लिमिट प्राइस में डालेंगे 167, तो चलिए डाल देते हैं 167 एंड ट्रिगर प्राइस में हम उस प्राइस को डालेंगे 167 को टच करने के पहले कौन से प्राइस को टच करेगा, 167.50 रुपीस, या फिर आप इधर 168 भी डाल सकते हो। आप नीचे देख सकते हो इधर लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन है, तो आपको लिमिट ही रहने देना है एंड उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे प्लेस सेल ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों जो भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो ये आपके कहाँ दिखाता है, ये आपके ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि अभी जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है मैंने जिस प्राइस में स्टॉप लॉस लगाया उस प्राइस में अभी तक आया नहीं। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस का मतलब क्या होता है, जब शेयर प्राइस नीचे आएगा तो ट्रिगर प्राइस में आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज के पास चला जाएगा एंड जब भी लिमिट प्राइस पे टच करेगा तभी आपका ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एग्जीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो ऑर्डर है ये सेल हो जाएगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम नियरेस्ट में जो पोजीशन ऑप्शन है पोजीशन ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। पोजीशन में आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इंट्राडे में कैसे शेयर को बाय करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप लिमिट प्राइस में उस शेयर को सेल करोगे। तो इसलिए आप ये जो आपको पोजीशन में दिखने के लिए मिल रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, ओके। टैप करने के बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हो बाय मोर एंड एग्जिट का ऑप्शन है, हम सिंपली क्या करेंगे इसी एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर चले आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। और दोस्तों मेरे एक सजेशन है कि जब भी आप इंट्राडे में कोई भी शेयर को खरीदते हो तो जरूर लिमिट प्राइस लगा के सेल कीजिए, क्योंकि क्या होता है इंट्राडे में प्राइस अप एंड डाउन होता ही रहता है, राइट। तो आप अगर सही प्राइस में सेल करना चाहते हो तो ज़रूर आप लिमिट प्राइस लगा के सेल करोगे तो एग्जैक्ट प्राइस में आपका सेल होगा। लेकिन क्या होता है ना, आप अगर मार्केट प्राइस में सेल करने जाओगे तो अभी आप देख रहे हो कि 169.90 रुपीस चल रहा है, मेरा तो 20 रुपीस प्रॉफिट चल रहा है, बट जब भी आप सेल करने जाओगे तो प्राइस अप एंड डाउन की वजह से आपका कम प्राइस में सेल हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर कम प्राइस में सेल होने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं पर्सनली लिमिट प्राइस लगा के सेल करती हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे इसी लिमिट प्राइस में, जिस प्राइस में मैं इस शेयर को सेल करना चाहते हूँ मैं इधर लिमिट प्राइस को सिलेक्ट करूँगी, ओके। तो चलिए मैं इधर चाहती हूँ, मैंने इस शेयर को ख़रीदा है 169.70 रुपीस में, तो मैं चाहती हूँ अगर इस शेयर का प्राइस 170.50 रुपीस पे जाए तो ये ऑर्डर मेरा सेल हो जाए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो आपके सामने एग्जिट का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे सिंपली एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमने लिमिट प्राइस लगा के सेल किया ये आपका ऑर्डर सेक्शन में दिखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो मेरा एक ऑर्डर है स्टॉप लॉस का ऑर्डर, एक ऑर्डर है लिमिट प्राइस का ऑर्डर, राइट। तो आप इधर से देख पा रहे हो कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया 167.50 रुपीस में एंड मैंने इस शेयर में लिमिट प्राइस लगा के सेल किया है 170.50 रुपीस में एंड अभी का जो शेयर प्राइस चल रहा है, तो इधर से आप देख सकते हो अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है 169.75
5 रुपीज में, ठीक है, मतलब कि प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये जो शेयर को खरीदा है इंट्राडे में, इस शेयर को अगर आप मैनुअली सेल करना चाहते हो तो आपको ऑर्डर सेक्शन में जो ऑर्डर पेंडिंग्स में है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मैनुअली सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छा से ध्यान रखना है, बिकॉज कई कवर क्या होता है, बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं ये पेंडिंग में जो ऑर्डर है ये ऑर्डर रह जाते हैं एंड इधर ओपन पोजिशन से इस शेयर को सेल करने की कोशिश करता है, बट ये नहीं होता है, उल्टा क्या हो जाता है, उल्टा ऊपर से सेल हो जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई मैनुअली कोई भी शेयर को सेल करते हो जो आपके पोजीशन में है, उसके पहले अगर आपका पेंडिंग में कोई ऑर्डर है उसको आप ज़रूर डिलीट कीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस शेयर को मैं मैनुअली आपको सेल करके दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए हम ऑर्डर सेक्शन में आएंगे एंड इसी जो आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है इसको हम कैंसिल करेंगे। तो इधर आप देख सकते हो नीचे कैंसिल ऑल का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ऑर्डर को एक साथ कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल ऑल पर क्लिक करोगे, बट मैं अभी जो है स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहती हूँ तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर के ऊपर, एंड नीचे आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक तो है एडिट ऑर्डर, एक तो है कैंसिल ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, कैंसिल ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यस कर देना है। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो मेरे जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर सेक्शन में अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने लगाया इसको हम कैंसिल कर दिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इधर 25 कभी कभी 30 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस शेयर को आपको अभी सेल करके दिखाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, राइट। तो ये वीडियो में एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, तो अभी मुझे आपको सेल करके भी दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम लिमिट के लिए वेट करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि आप लिमिट ऑर्डर लगा के कैसे शेयर को सेल कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैनुअली इसको सेल करने के पहले अभी हम ऑर्डर सेक्शन में चले आएंगे। ऑर्डर सेक्शन में चले आने के बाद ये जो हमने लिमिट प्राइस लगाया, ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगा 170.50 रुपीस में, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है, तो हम कैंसिल ऑर्डर कर देंगे। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो मेरे ऑर्डर्स में कोई भी पेंडिंग नहीं है, बिकॉज हमने सेल कर दिया, फिर से हम पोजीशन में आएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो आपको ओपन पोजीशन में दिखने के लिए मिल रहा है, सिंपली हम इसके ऊपर टैप करेंगे एंड नीचे देख सकते हो आपको दिखने के लिए मिल रहा है एग्जिट का ऑप्शन, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एग्जिट ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अगर आप मार्केट प्राइस में जो प्राइस अवेलेबल है उसी प्राइस में अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको मार्केट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इधर मार्केट सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली हमने एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इधर से आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपको क्लोज पोजीशन में दिखने के लिए मिल रहा है। हमने इस शेयर को बाय किया 169.70 रुपीस में एंड इस शेयर को सेल किया 169.90 रुपीस में, तो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 20 रुपीस, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि डिलीवरी में कैसे आप शेयर को बाय करोगे। सो फ्रेंड्स फिर से हम वॉचेस में आ गए हैं एंड जो भी कंपनी के शेयर को हम डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं हम इधर से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल के मुझे NBCC स्टॉक्स को ख़रीदना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्टार मार्क वाला ऑप्शन आ रहा है इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद हम बैग आते हैं। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो ये जो NBCC का शेयर प्राइस है अभी जो चल रहा है 147.90 रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड नीचे आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन है बाय एंड सेल का ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे सिंपली इस बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इधर डिलीवरी जो ऑप्शन है इधर आपको डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ओके, डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स एंटर करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इधर एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो मैं इधर एक शेयर्स को एंटर करूँगी। नेक्स्ट नीचे आप देख सकते हो लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि लिमिट क्या है मार्केट क्या है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है कितना रुपीस लग रहा है एंड चार्जेस का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे इसी चार्जेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो डिलीवरी में अगर आप एक शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपका जो चार्जेस पड़ने वाला है 0.18 रुपीस, एक्सटर्नल चार्जेस 0.03 रुपीस, टैक्सेस 0.15 रुपीस, ठीक है। तो दोस्तों ये भी सिमिलर है, आपके क्वांटिटी एंड कितने प्राइस आप यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करके आपका चार्जेस पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, बैग आएंगे, इधर नंबर ऑफ़ शेयर्स हम इंटर करेंगे 10। ओके,
उसके बाद हम चार्जेस के ऊपर चले आएंगे। सो फ्रेंड्स, इधर से आप देख सकते हो, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इधर चार्जेस भी बढ़ गया है 1.76। तो इसलिए क्या होता है, अगर आप डिलीवरी में या फिर इंट्राडे में जब भी कोई शेयर को खरीदते हो तो ये आपके क्वांटिटी एंड स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं इधर नंबर ऑफ शेयर्स इधर एक एंटर कर देती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शेयर को मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है इसी प्राइस में मैं बाय करना चाहती हूँ, तो मार्केटिंग में रहने दूंगी। उसके बाद जो प्लेस बाय ऑर्डर है, सिंपली हम इस प्लेस बाय ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो इधर आप देख सकते हो, ओपन पोजीशन में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एनबीसीसी शेयर को हमने एक शेयर को खरीदा 147.40 रुपीस में खरीदा, एंड अभी जो एलटीपी चल रहा है 147.35 रुपीस, दैट्स वाई हम लोगों को 0.05 रुपीस के लॉसेज चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो, नीचे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि टाटा स्टील के शेयर को हमने खरीदा, ये जब आपका शेयर को आप सेल कर देते हो तो ये आपका क्लोज पोजीशन में दिखने के लिए मिलता है, राइट। तो अभी बात इसमें यह है कि आपको तो पता चल गया कि डिलीवरी में कैसे शेयर को खरीदते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि डिलीवरी में शेयर को बाय करने के बाद कैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। सिंपली हम ये जो ओपन पोजीशन है इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, जब भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। एंड मैंने पहले ही समझा दिया कि ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस क्या होता है, राइट। तो इस शेयर को मैंने खरीदा है 147 रुपीज़ में, ठीक है, या फिर 50 रुपीज़ में। तो मैं चाहती हूँ सपोज दैट कि इस शेयर का प्राइस अगर नीचे आए 145 पर टच करे तो दोस्तों मैं इधर लॉस देकर निकलना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट प्राइस में हम एंटर करेंगे 145 रुपीज़। तो दोस्तों जब शेयर प्राइस नीचे की तरफ आएगा 145 रुपीज़ को टच करने के पहले कौन से प्राइस को टच करेगा, 145.50 रुपीज़ या फिर 146 रुपीज़, राइट। तो इस हिसाब से आपको टिगर प्राइस में एंटर करना है। तो टिगर प्राइस में हम एंटर करेंगे 145.50 रुपीज़। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हो प्लेस सेल ऑर्डर का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, प्लेस सेल ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। तो हम बैक आएंगे एंड ये आपको ऑर्डर सेक्शन में दिखने के लिए मिल रहा है कि एनबीसीसी शेयर के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया एंड कितने रुपीज़ में स्टॉप लॉस लगाया, 145.50 रुपीज़ में। एंड आपको पोजिशन में दिखने के लिए मिल रहा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस चले, ये आप क्लियर देख सकते हो। तो इधर आप देख सकते हो हम लोगों का जो प्रॉफिट चल रहा है 0.80 रुपीज़ का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने एनबीसीसी शेयर को डिलीवरी में ख़रीदा है, इस शेयर को अगर हम आज के दिन सेल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे ये आपके होल्डिंग में दिखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन हमने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया इसका वैलिडिटी एक दिन ही रहता है। ये जो हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया मार्केट क्लोजिंग होने के पहले तक रहेगा, मार्केट जब क्लोज हो जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है यह भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये जो स्टॉप लॉस है इसको अगर आप एक साल तक रहना चाहते हो या फिर आप टारगेट लगा के एक साल तक उसको रखना चाहते हो तो दोस्तों इसलिए आपको GTT एंड OC ऑर्डर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आप डिलीवरी में शेयर को बाय एंड सेल करते हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एनबीसीसी शेयर को तो मैंने डिलीवरी में कैसे बाय करते हैं ये मैंने आपको दिखाया, तो अभी मैं आपको एनबीसीसी शेयर को सेल करके दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले जो हम लोगों का ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने लगाया उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कैंसिल करना है। तो चलिए ऑर्डर सेक्शन में चले आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो पेंडिंग में आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया 145.50 रुपीज़ में। तो हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है, तो हम सिंपली कैंसिल ऑर्डर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इधर से आप देख सकते हो पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है, कैंसिल हो गया है। उसके बाद अगेन हम पोजीशन में आएंगे तो आप देख सकते हो अभी आपको ओपन पोजीशन में देखने के लिए मिला, आपको प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हो। तो अभी हमें इस शेयर को सेल करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिंपली टैप करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपके सामने एग्जिट का ऑप्शन है, मतलब इंट्राडे एंड डिलीवरी सिमिलर प्रोसेस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स हमने एक लिया तो एक आ गया है। अगर आप चाहते हो लिमिट प्राइस में इसको सेल करना तो आप कर सकते हो। तो मैंने पहले आपको दिखाया कि कैसे आपको लिमिट प्राइस लगाना है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो मैं ये शेयर्स आपको मार्केट प्राइस में जो अवेलेबल प्राइस है इसी प्राइस में आपको मैं सेल करके दिखाने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, मार्केट सिलेक्ट करेंगे, ओके।
उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको दिखने के लिए मिल रहा है एग्जिट का ऑप्शन, तो आप क्या करोगे एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। अदरवाइज आप नीचे देख सकते हो अगर आप फिर से चार्जेस देखना चाहते हो तो व्यू चार्जेस के ऊपर जाके आप चार्जेस भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको चार्जेस जो पड़ने वाला है इस शेयर को सेल करने के लिए जो कि है 0.16 रुपीस, ओके। तो हम क्या करेंगे बैक आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो क्लोज पोजीशन में आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि डिलीवरी में हमने जो शेयर को बाय किया था NBCC शेयर को इसको हमने सेल किया एंड हम लोगों को जो लॉस हुआ 0.05 रुपीस का लॉसेस आपको दिखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो ऐसे करके इंट्राडे एंड डिलीवरी में शेयर को बाय करते हैं एंड आपको क्लियर पता चल गया कि कैसे बाय करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, कैसे लिमिट प्राइस लगाते हैं एंड कैसे सेल करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहा है, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन रहे वीडियो रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर हमारे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।